हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप गुप्ता। अगर यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। केमिस्ट्री क्रैकर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को बजाना ना दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी लगातार वीडियो केमिस्ट्री क्रैकर यूट्यूब चैनल और पेज के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचती रहे और आपको एक अच्छी और सुंदर जानकारियां फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स के बारे में एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही चैनल पर आपको मिलती रहे। हम प्रयास कर रहे हैं कि इस कोरोना की लड़ाई में किसी भी बच्चे की पढ़ाई सफल ना करे, किसी भी सूरत में सफल ना करे, और इसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए आपके लिए लेकर आया हूँ। एक बार फिर फिजिक्स, मैंने अभी तक आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजिशन, इक्विटोरियल पोजिशन एंड एनी क्वेश्चंस के डेरिवेशंस करा दिए थे। मुझे लगता है कि आपके ये समझ में आए होंगे, ठीक तरीके से आपने एक्सप्लेन कर लिए होंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आई है तो अपने सुझाव मुझे लगातार देते रहे, जिससे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं और आपकी मदद कर सकूं। देखते हैं आगे इलेक्ट्रिक डायपोल में और क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल इज टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सर व्हाट इज दिस? मतलब नथिंग इज इंपॉर्टेंट, बस टॉर्क फोर्स कपल व्हेनेवर इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ऑलवेज अ फोर्स कपल। दिस फोर्स कपल इज नोन एज टॉर्क। सर हाउ? मतलब दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दीज आर द लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देयर इज पॉजिटिव चार्ज, इट इज नेगेटिव। Because electric field is normally outward from positive charge and normally inward from the negative charge. That's why. Clear this? So, an electric dipole consisting two charges plus Q and minus Q having distance 2A from each other with center O is placed here. Then the charge plus Q experience a force. Repulsion force from this is F equal to QE, and this there is an attraction force by the F equal to QE. So it has a tendency of rotation. That's why we require, if the dipole make an angle theta with the electric field, then this perpendicular distance from here it is 2A sin theta. मतलब वी है फोर्स इक्वल टू क्यू ई एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू 2a साइन थीटा। सो वी नो दैट टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो टॉर्क इक्वल टू फोर्स इज qa, डिस्टेंस इज 2a साइन थीटा। So torque equal to Q2A, it's become P. So PE sin theta is the torque experienced by an electric dipole in uniform electric field. Or I have write it also such that P cross E also P sin. There are two cases. Number first, in stable equilibrium. What it is, whenever the theta equal to zero of the dipole, just like S, the direction of electric field is this and the dipole is placed such that the dipole moment is in same direction, that is minus Q charge is here, plus Q charge is here, then the direction of dipole moment is same direction, because the direction of dipole moment always be from negative charge to positive charge, then that means electric field and dipole moment has same direction, that's
in this orientation, the dipole is said to be in stable equilibrium. That means theta equal to 0, so torque equal to also 0. First case. In second case, unstable equilibrium. Where it is possible, professor, direction of electric field is this, from left to right, but the dipole is placed just opposite minus Q here and plus Q here. That's why the dipole moment is what? Just opposite. That means theta equal to 180 degree and torque also 0. In this condition, the force experienced by the dipole is maximum, but the torque remain again 0. Here it is. These are the two positions of stable equilibrium and unstable equilibrium. टॉर्क का एक्सपीरियंस बाई एंड इलेक्ट्रिक डायपोल एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील करने के बाद अगला टॉपिक देखते हैं, अगला डेरिवेशन है वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सर आपने ये तो बताया कि डायपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लेके जाएंगे तो उस पर दो फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएंगे, एक रिपल्शन फोर्स लगेगा F equal to QE, दूसरा F equal to QE लगेगा अट्रैक्शन फोर्स। तो दोनों मिलके फोर्स ऑफ कपल बना लेंगे और वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। अगर रोटेट करना स्टार्ट कर देगा तो फिर उसको रोटेट करने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो कितना होगा मैंने तो बता देंगे। मैंने कहा ये देखो भाई ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, बोला हाँ सर ये बिल्कुल एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने मान लिया इधर पॉजिटिव प्लेट रही होगी तो नेगेटिव प्लेट रही होगी, दैट्स व्हाई डायरेक्शन इज सेड, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। बोला सर ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल, ये इसका सेंटर ओ, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए, ये भी कितनी? बोला सर ए, दिस इज प्लस क्यू मान लो, इसे माइनस क्यू मान लो। मैंने कहा रोटेट करके ये किसी पोजिशन में आ गया, इस पोजिशन को ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ये रोटेट करके यहां आया, ये रोटेट करके इधर चला, ठीक है, या फिर रिवर्स मान सकते हैं आप, ये अट्रैक्शन फोर्स होगा और ये रिपल्शन फोर्स होगा, दैट्स व्हाई ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। तो मैंने कहा ये सेंटर बन गया इसका और ये रेडियस हो गई। तो बोला सर वर्क डन क्या होगा? मैंने कहा वर्क डन इक्वल टू, मैंने एक ही फॉर्मूला पढ़ाया बेटा, बोला वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड ये डिस्प्लेसमेंट मैंने यहां से यहां तक मान लिया, यहां से यहां तक जो आर किसने रोटेट किया वो डीआर, ठीक है, एफ डॉट डीआर, एफ डॉट डी आर है तो डी आर कॉस जीरो लगा सकता हूं, डी डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा एफ डी आर। बोला बट वी नो दैट एंगल इक्वल टू दिस एंगल इज थीटा और डी थीटा, तो डी थीटा इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, दिस इज आर, दैट्स वाई डी आर इक्वल टू बिकम आर डी थीटा, सो डी डब्ल्यू बिकम F as it is in place of dr we put r d theta, force into radius, radius is perpendicular distance, so torque is become fr, no tension at all because radius is always perpendicular and the product of force and perpendicular distance always known as torque, so this becomes torque, that's why dw equal to tau d theta, but tau equal to होता है P E sin theta, so put the value dW equal to P E sin theta d theta on integrating within the limits W equal to P E बाहर आ जाएगा integration from theta 1 to theta 2 sin theta d theta on integrating it we get P E minus cos theta theta 1 to theta 2 w equal to pe upper limit minus lower limit करें या फिर lower minus upper कर लो तो cos theta 1 minus cos theta 2, this is the work done to rotate an electric dipole in uniform electric field। ठीक तरीके से आप लोग देख लीजिए एक बार इसे, और मैं इसी में आपको एक चीज और बताने वाला हूं, एक डेरिवेशन और आता है, ये तो वर्क डन कर रहा, कई बार आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेता है डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो डेरिवेशन सेम रहेगा, बस लिमिट्स का यहां आपको कुछ चेंज करना होगा। मैं आपको उधर बता रहा हूं क्या चेंज करना पड़ेगा,
तो सर यहाँ तक तो वही रहेगा कि डी डब्ल्यू इक्वल टू पीई साइन थीटा डी थीटा। इसके बाद आप लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू जीरो टू यू इक्वल टू पीई बाहर इंटीग्रेशन जीरो टू थीटा साइन थीटा डी थीटा। यानी When an electric dipole is rotated from stable equilibrium to any position, then the work done is stored in it in form of electrostatic potential energy of dipole. Clear? दोबारा बता रहा हूँ। जब भी कभी इलेक्ट्रिक डायपोल को उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम से किसी भी पोजीशन में रोटेट करने के लिए आप लेके जाते हैं, तो जितना भी वर्क डन करना पड़ता है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन इट इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। So the angles become 0 to theta and integrate it, we get u equal to pe 1 minus cos theta, limit aap put kar lenge easily because physics is so easy and very easy subjects. Stay safe, remain at home, please share, like and subscribe the video. Jyada se jyada share kar de, jyada se jyada logo tak pahunche ye, isliye share kar de aur like kar de. Thank you, have a nice day.